वथा संदूक में मेरे वो कैसे गंज रहता है बिछड़ने का गंज का तो अमूल्य निधि वो था संदूक में मेरे वो कैसे गंज रहता है बिछड़ने का तो इस दिल को हमेशा रंज रहता है कि पल पल याद करता है दिल तुम उसको बता देना पता लिख लो ना तुम उसका वो साहेब गंज रहता है। भले दिल में दर्द होता है पर बगावत नहीं आती आती है सब कुछ पर राहत नहीं आती। भले दिल में दर्द होता है पर बगावत नहीं आती आती है सब कुछ पर राहत नहीं आती। वो कुछ लोग हैं मैं उनसा बन भी सकता हूँ वो कुछ लोग हैं मैं उनसा बन भी सकता हूँ अफसोस उनसे मुझे बनावट नहीं आती अफसोस उनसे मुझे बनावट नहीं आती। वो मिले और कहे घर क्यों नहीं बसा लिया तुमने वो मिले और कहे घर क्यों नहीं बसा लिया तुमने हमने कहा पगली तुझसे मुझे मोहब्बत नहीं आती हमने कहा पगली तुझसे मुझे मोहब्बत नहीं आती। कि वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं वो भूल गई तुझको वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वो भूल गई तुझको मैंने कहा शायद तुझे हकीकत नहीं आती मैंने कहा शायद तुझे हकीकत नहीं आती। वो तो अब भी मुझसे प्यार करती है वो तो अब भी मुझसे प्यार करती है पर उसको मेरे तरह इबादत नहीं आती पर उसको मेरे तरह इबादत नहीं आती। कि ये जो शायरी है ये हम लोग का यूथ है जो अभी चल रहा है कि फूलों की हथेली में अंगारे उठाते उठाते हम नाम ही भूल गए नाम बनाते बनाते फूलों की हथेली पे अंगारे उठाते उठाते हम नाम ही भूल गए नाम बनाते बनाते। वो तो अपनों की दुआएं हैं कि अभी जिंदा हूँ कुछ मम्मी पापा है कुछ दोस्त यार है तो लगता है कि अभी जिंदा हूँ। वो अपनों की दुआएं हैं कि अभी जिंदा हूँ वरना चिराग समझ बैठे हैं लोग जलाते जलाते कि मेरी नाकामियों का किस्सा कम नहीं बच्चा इंजीनियर नहीं बना बच्चा आई आई क्वालिफाई नहीं किया बच्चा क्या कर रहा है तो वो मेरी नाकामियों का किस्सा कम नहीं और वो थकते भी नहीं इन्हें सुनाते सुनाते मेरी नाकामियों का किस्सा कम नहीं और वो थकते भी नहीं इन्हें सुनाते सुनाते कि मेरे इश्क के अगन से आग लगी है बस्ती में मेरे इश्क के अगन से आग लगी है बस्ती में और वो बुझते भी नहीं इन्हें बुझाते बुझाते और वो बुझते भी नहीं इन्हें बुझाते बुझाते। कि एक माँ पे मिक्सचर है नगमा मिक्सचर है कि माना तकलीफें होती है कुछ पाने में आज से 6-7 साल पहले का गजल है कि माना तकलीफें होती है कुछ पाने में पर क्या जाता है मुस्काने में पर क्या जाता है मुस्काने में। कि दिन को थके हरे आने के बाद माँ कहती है तू कैसा है दिन को थके हरे आने के बाद माँ कहती है तू कैसा है ये क्या कम है इस जमाने में। दिन को थके हरे आने के बाद माँ कहती है बेटा तू कैसा है ये क्या कम है इस जमाने में। कि चोर आया और चोरी करके मेरा सब ले गया एक चोर आया और चोरी करके मेरा सब ले गया। वो कहता है क्यों देर कर दी तूने शोर मचाने में वो कहता है क्यों देर कर दी तूने शोर मचाने में। कि वो कहती है क्यों देर कर दी तूने शोर मचाने में। कि ये आराम फरमाने वाले क्या जाने ये आराम फरमाने वाले बहुत दिल को छू के निकलेगा ये आराम फरमाने वाले क्या जाने कि कितना मजा आता है कांटों पे चल के फूलों को तोड़ा आराम फरमाने वाले क्या जाने कि कितना मजा आता है कांटों पे चल के फूलों को तोड़ लाने में। और एक मैं स्पेशली जो लड़की जो फील करती है वो उसके लिए लिखा हूँ मतलब जो लड़की अंदर से फील करती है वो हर एक बात से मुझे मजबूर करता है। जो लड़की होगा उसको बहुत अच्छे से फील होगा आप लोग को तो होगा ही प्यार में जीएसटी के समान पहले तो पता नहीं चलेगा कि कब होगा
हो जाने के बाद भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, तो जीएसटी है ना। वो हर एक बात पे मुझे मजबूर करता है, वो एक पल भी ना मुझको दूर करता है। वो हर एक बात पे मुझे मजबूर करता है, वो एक पल भी ना मुझको दूर करता है। क्या डांटू उसे, क्या बोलू उसे, वो प्यार भी तो भरपूर करता है। क्या डांटू उसे, क्या बोलू उसे, वो प्यार भी तो भरपूर करता है। वो चांद को भी बगावत दे के आया है, मामूली बात नहीं है। वो चांद को भी बगावत दे के आया है, वो इस बेनूर को भी नूर करता है। वो इस बेनूर को भी नूर करता है। इसके बाद वाला मिसरा है कि मैं उस लम्हे में कहीं खो ही जाती हूँ, यहाँ से निकलेगा, मेरा गारंटी है। मैं उस लम्हे में कहीं खो ही जाती हूँ जब अपने हाथ से मेरे मांग में सिंदूर करता है। जब अपने हाथ से मेरे मांग में सिंदूर करता है कि वो आशिकों के दौर में सबसे आगे है, वो आशिकों के दौर में सबसे आगे है। वो हर घड़ी पटना से पूर्णिया टूर करता है, वो एहतियात नहीं बरतता है अपनी आंखों पे, सही है ना? वो एहतियात नहीं बरतता है अपनी आंखों पे, वो भरे बज्म में मुझे मशहूर करता है। वो बस महफिल, वो एहतियात नहीं बरतता है, मेरी वाली है। वो एहतियात नहीं बरतता है अपनी आंखों पे, वो भरे बज में मुझे मशहूर करता है। भाभी जा रही है, वो भरे बज में मुझे मशहूर करता है। एक अगर रिक्वेस्ट हो तो एक थोड़ा सा छोटा सा गीत है जो कृष्ण और राधा का जो संबंध है उसके बारे में गीत है, अगर आप लोग दिक्कत नहीं हो तो सुनाए। बेशक कि एक उद्धव थे जो बहुत ज्ञान दी देते थे, बहुत ज्ञान देते थे। तो उद्धव का जो ब्यौरा था कि उद्धव जब कृष्ण भगवान को ज्ञान का घमंड हो गया तो उद्धव को समझाने के लिए राधा के पास उद्धव को भेजा गया। तो उद्धव ने बोला कि देखिए अब ये प्रेम व्रेम मत कीजिए, योग धारण कर लीजिए, कृष्ण चले गए, कृष्ण अब वहां होके हो गए, आप लोग योग धारण कीजिए, योग बड़ा उत्तम चीज है। तो एक प्रसंग है जो सैयद रसीम में लिखा है कि आए हो सिखावन को योग मथुरा से तोपे, उधो जे वियोग के वचन बतरावना, कहे बतना कर दिवा कर दरस दी, दुख दरिवे को तो के बहुत बढ़ावना, एक अनुरागनी जो नुपुर हमारो हायो, चोक हो चकोर पैन पाहन चलावना। एक मनमोहन जो दिल में बसा था तो ये हाल है। आप जो ये बाण का बात बोलेंगे तो मेरा दिल का टुकड़ा उतने प्रतिबिंब में बिखर जाएगा और उतना ही मनमोहन का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो एक मनमोहन तो ही में बसा रहना हो, ही में अनेक मनमोहन बसावना, ही में अनेक मनमोहन बसावना। अब जो मैंने लिखा है कि क्या हुआ, तो राधा कहती है कि कृष्ण दे दो मुझे ओ मधुर बांसुरी, तुम नहीं हो तो स्वर का सहारा सही, तुमने मथुरा में घर तो बना ही लिया, तुमने मथुरा में घर तो बना ही लिया, मेरे जीवन में यमुना का धारा सही, मेरे जीवन में यमुना का धारा सही, कि रास ना आएगी अब ये ग्वालिन तुम्हें, रास ना आएगी अब ये ग्वालिन तुम्हें, मैंने जाना कि तू अब हमारा नहीं, मैंने जाना कि तू अब हमारा नहीं। लास्ट श्रृंगार रस है कि बाल बिखरे हुए कंठ सूखे हुए, बाल बिखरे हुए कंठ सूखे हुए, पर ये दिल है कि मोहन हारा नहीं, कृष्ण दे दो मुझे ये मधुर बांसुरी,
तुम नहीं हो तो स्वर का सहारा सही। एक और छोड़ दे। ठीक है, थैंक यू।